सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज राजमाता का अंतिम संस्कार होगा और उसके पहले भारी भीड़ ये हुजूम आप देख रहे हैं, जहां तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और आखिरी दर्शन के लिए। हालांकि 5 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस वक्त राजमाता का पार्थिव शरीर ग्वालियर पहुंच चुका है। कल दिल्ली में ही था और आज ग्वालियर पहुंचा। एम्बुलेंस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम यहाँ पर। राजमाता का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली है दिल्ली में, जिसके बाद दिल्ली से माधवी राजे का पार्थिव शरीर जो है ग्वालियर ला दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पत्नी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का निधन हो गया। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो ग्वालियर पहुंच चुका है। ग्वालियर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई मंत्री और नेता अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और रात तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का भी आना तय हो चुका है कि वो पहुंच जाएंगे समय से पहले ही। साथ ही नेपाल, वडोदरा और जम्मू के राजघराने के सदस्य भी ग्वालियर पहुँचेंगे। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि 10 बजे का वक्त तय किया गया था जब उनके इस पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट से ग्वालियर के लिए रवाना किया गया। 10:45 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचने की बात थी, पहुंच चुका था और उसके बाद अब 11:15 को जो समय तय किया गया था महल के लिए रवाना किया गया था और अभी 12:30 बजे के लगभग कहा जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो ग्वालियर पहुँचा है और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार 5 बजे होगा। लेकिन अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके लिए ग्वालियर में पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। 2:30 बजे से 3 बजे तक अंतिम यात्रा की तैयारी की जाएगी और 3:30 बजे अंतिम यात्रा छत्री के लिए रवाना होगी और छत्री में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। 30,000 लोगों के मौजूद रहने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है और माधवी राजे का पार्थिव शरीर जो है वो ग्वालियर क्योंकि पहुंच चुका है, उसके पहले जब दिल्ली में था तो कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं और पार्थिव शरीर को अब निकाला जा रहा है। इसी के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर इंतजाम, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक का सफर। राजमाता माधवी राजे सिंधिया अब नहीं रही, नेपाल के राणा राजवंश की राजकुमारी थी माधवी राजे। माधवी राजे के दादा युद्ध शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। शादी से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी था। माधव राव सिंधिया से उनकी शादी हुई 1966 में। शादी के बाद सिंधिया राजघराने में उनका नया मराठी नाम माधवी राजे रखा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और बेटी चित्रांगदा सिंह संतान ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख ही रहे हैं, बेटी भी है इनकी। इसके अलावा पति का निधन 30 सितंबर 2001 में ही हो गया था। माधवराव सिंधिया जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में आप देख सकते हैं ये तस्वीर ग्वालियर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पार्थिव शरीर ग्वालियर पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में अंतिम दर्शन के लिए लोग जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम संस्कार के लिए ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर, गुना से हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इनके लिए अलग अलग पार्किंग और आने के लिए रास्ते निर्धारित किए गए हैं। इसे ध्यान में रखकर पुलिस ने सारे इंतजाम कर दिए हैं। सिंधिया छत्री परिसर में हर वर्ग के खड़े होने और बैठने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जहाँ राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा वहाँ एक और आम लोगों के लिए भी खड़े होने की जो व्यवस्था है वो रहेगी।